सब है इश्क के मारे, कोई है जीते कोई है हारे, देखे सपने रंग बिरंगी कोरंगी के सतरंगी। कोई भी लड़की बूढ़ी नहीं होती, या तो लड़की होती है या बूढ़ी होती है। कोई बात नहीं, मुझे दोनों दे दे, जो समझ में आई रख लूंगा। अरे बेटा, भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अब तो बैठा भी नहीं जा रहा। चूहे दौड़ रहे हैं ना, एक काम करो, वो सामने देखो नीले रंग का डब्बा पड़ा है, पड़े उसमें बिस्किट है, उसके साथ वाले डब्बे में चूहा मारने की दवाई है, वो खा लो तुम्हें सुकून मिल जाएगा, चूहे मर जाएंगे इंशाल्लाह, तुम भी मर जाओगे। बीबी देखें, आपके खिलाफ कंप्लेन हुई है, अब कार्रवाई होगी। और ले आओ ऊपर को अंदर। अच्छा साहब। जाहिर है तुम लोड ही कर सकते हो, वैसे हो तो तुम ओवरलोड। तो तुझे क्या तकलीफ है? तकलीफ तो तुम्हें होगी जब तुम ये सुनोगे कि मेरी शादी हो गई। अबे तेरी शादी नहीं होगी, और तुझे अगर ज्यादा शौक हो रहा है ना तो मैं केबल पे इश्तिहार चला देता हूँ कि एक नर्स का रिश्ता दरकार है, साथ में अस्पताल की सहूलत भी। अरे सारे मरीजों की लाइन लग जाएगी, कहेंगे बीवी की बीवी और नर्स की नर्स मिल रही है साथ में। अबे मुझे छोड़, तू अपना इश्तिहार दे, सेल सेल सेल, केबल वाला लोड वाला पेचकस वाला, शादी के लिए तैयार हर जगह से इनकार, अगर कोई लड़की है बेकार तो आए करे अपनी जिंदगी को खुआर। देख मैंने तेरा स्टार भी बना दिया। चल निकल निकल, लोड नहीं है मेरे पास, जा। एक बात तो बता जानू। जानू बोल रही है इसलिए सुन रहा कुछ। वैसे तुझे मैं कैसी लगती हूँ? ऐसी लगती है बस, यही तो पूछ रही हूँ कि तुझे मैं कैसी लगती हूँ। अबे ऐसी नहीं होता, जैसे लड़की होती है लेकिन लड़की नहीं होती, वैसी लगती है तो। अबे जा जा, कभी शक्ल देखी अपनी पेचकस कहीं के? लोटे जैसी शक्ल है तेरी। अरे तुझ जैसे को तो अपने घर का चौकीदार भी ना रखूं। अबे तुझे क्या चौकीदार की जरूरत है बगली, तेरे से खुद सब अपनी हिफाजत कर रहे होते, तू चौकीदार रख के क्या करेगी। अच्छा चल जा, निकल यहाँ से, अभी मेरा दिमाग ना खराब कर मेरे। अच्छा एक बात सुन, क्या है? वो अपनी अस्पताल वाली मैडम का क्या हाल है? वो केबल सही चल रही है उसकी? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, चक्कर लगाओ ना तुम, बल्कि वो तो मुझसे पूछ रही थी कि केबल वाला आया ही नहीं अपने पैसे लेने। हैं? वाकई में? कसम का? हाँ अगर झूठ बोलूं तो तू मर जाए। लानत, अजीब लड़की है, जाते जाते बता दे। या अल्लाह, ज्यादा सीरियस ना होना इस पगली की बातों पे, अगर उठाने ही है ना तो मामू को उठा लेना, पूरा दिन दुनिया भर से धार लेता रहता है मुझे फंसा, मैं तो पूरे मोहल्ले को खुश रखता ना यार, तो अगर उठा लो मामू को उठा लेना, और अगर दो बंदे चाहिए तो मैं मामी का इंतजाम कर दूंगा, मुझे ना छेड़ना, मैं इधर ठीक हूँ। और देखे अगर मैं चला गया और मोहल्ले में किसी केबल बंद हो गए, अरे बेचारे बोर हो जाएंगे, लोड शेडिंग भी इतनी है, आप बस मुझे बचाओ। हाँ मैं इधर नीचे खड़ा हूँ। किसकी फातिहे पढ़ रहा है? अरे नहीं नहीं जिमी, मैं तो दुआ मांग रहा था। दुआ मांगना भी तो फातिहे होता है। अच्छा वो फिर मैं अपने मामू के लिए मांग रहा। मामू? कौन से मामू? वो नवाब साहब? अरे नहीं, मेरा कोई मामू वैसे है नहीं, वो मेरा तो कोई सगा मामू भी नहीं है असल में, वो घर पे एक आए हुए ब्रेक फेल आदमी, कोई अपने आप को मामू मामू कहता है। पहले मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मामू बना रहा है, मैंने कहा मामू बोल ले तो मेरा कौन सा फर्क पड़ रहा है यार। ओहो, अपने आप को मामू कैसे कह सकता है? अबे यार मिमी तू छोड़, ये पता कैसे आना हुआ? मैं तो ना नवाब साहब के लिए आई थी। नवाब साहब? वो कौन है? अरे जिसे तुम मामू कह रहे हैं वो, तुझे शायद पता नहीं है, बहुत बड़े नवाब है वो, भाई तेरे दूर परे के रिश्तेदार है ना, इसलिए तो अंदाजा नहीं कर सका। ओ अच्छा, बहुत बड़े नवाब है, तुझे कैसे पता? तू उसकी फूफी लगती है। फूफी लगती होगी तेरी माँ? अबे मेरी माँ नहीं, माँ को तो बहन बहन करके बुलाता है, माँ फूफी नहीं लग सकती। अच्छा देखना तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है ना, ये फ्रूट ना उनके हाथों में ले जाके देना और कहना खा लेना, ठीक है? ऐसा नहीं कि खुद खा जाए मोटा, और कहना शादी दफ्तर वाली जमीला ने भेजे। अरे क्या वो वाकई नवाब है जी? ऐसा तो नहीं तुझे चूना लगा रहे? अरे तू है ना आखिर पेचकस का पेचकस, वो खानदानी नवाब है, तुझे नवाबों के अंदाज नहीं पता। नहीं देखा, लेकिन अगर ऐसे होते ना नवाब तो बड़े बेकार होते नवाब। अच्छा दे देना नहीं फ्रूट, और सुन उनके हाथों में ले जाके देना और कहना वही खाएं, अगर तूने खा लिया तो अच्छा नहीं होगा। हाँ तू फिक्र नहीं कर, हो जाएगा जा जी।
ठीक है। अरे बड़ा लूटा और खाया नवाब साहब ने हमसे, अब हमारी बारी। बाबू भाई, बाबू भाई क्या हो गया? बाबू भाई छापा पड़ गया, मुल्जिम फरार है। अबे हाँ, पुलिस तो आई थी लेकिन भाई जमीला, ओए 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 ओए, क्या दबंग खातून है भाई, अबे दबाव में ही नहीं आई। मैं तो कहता हूँ आरिफ, अगर ये एक बार फंस गई ना तो जिंदगी संवर जाएगी। संवरने जाएगी, उजड़ जाएगी, आपको रिश्ते लाने में लगा देगी, लाते रहो जाते रहो। अबे क्या हो गया, अबे रिश्ता है क्या आलू है कि एक बार लाए हो तो फिर लाते ही रहो। अरे आओ सलमान भैया आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हें किसने पहले से इत्तला दिया कि मैं फ्रूट लेके आ रहा हूँ? मुझे मालूम था तुम कुछ ना कुछ खाने को जरूर ले आओगे, और मैंने ये भी फैसला कर लिया था कि जो भी लाओगे वो मैं खा लूंगा, कोई नखरे नहीं दिखाऊंगा। अच्छा, अगर मैं जहर लेके आता तब तो मना नहीं करते ना फिर? अब दे भी दो जो लाए हो। देख ले, अगर आप अफोर्ड कर सकते तो कर ले, वरना ये बड़ी गाड़ी से भी ज्यादा खर्चा निकाल सकती है। मैं बकवास बंद कर बे, बकवास बंद, तुझे क्या पता? अरे मुझे अभी ताजा ताजा एक्सपीरियंस हुआ है। अच्छा, वो कौन सा भाई? वही फकीरनी वाला, हालांकि मांगने वाली थी, उसका तो इतना खर्चा नहीं होना चाहिए था, बल्कि उल्टा मुझे देकर जाती, दूध पत्ती पार्सल करवा ली, केक बागर खानिया, एक घंटे में इतना खर्चा करा दिया। मैंने सोचा घर लेके जाऊंगा तो मुझे दूध पत्ती पे लगा देगी, मैं दफा किया उसको, मैं दफा कर कर आ गया मैं तो। तूने दफा कराया उसे? अबे तू तो उस फकीरनी की भी जान छोड़ने वाला नहीं था, दफा कराया तूने। वैसे एक बात बताओ, ये तुम कहाँ के नवाब हो? लखनऊ के। लखनऊ के नवाब, ये इतने भूखे क्यों तो? इसलिए कि तुम लोग कुछ खाने को ही नहीं देते। तुम लोग खाने को नहीं, मुझे बताओ तुम वाकई नवाब हो ना? वाकई नहीं, वैसे ही नवाब है। वैसे ही हो, अच्छा चलो फिर ठीक है, ये खैर है, ये पकड़ो। नवाबों के साथ ये सुलूक, अल्लाह मियां तो सब देख रहा है। वैसे एक बात बताओ, ये मोहल्ले में क्या ड्रामा लगाए हुए, सबको ये बता रहे हो तुम नवाब नवाब हो और मुझे बात पता ही नहीं है। अरे भाई मोहल्ले वाले तो हमारे कदरदान है, इसलिए इन्हें सब बताते हैं। अरे तुम तो किसी भूखे को खाना भी ना दो, तुम्हें क्यों बताऊं? अच्छा छोड़े, ये बताए पुलिस आई थी, कोई केस बना? ले भाई पहलवान, एक नहीं सुन ले, पुलिस वाले आए वो तो अपने रिश्तों के चक्कर में लग गए, उधर से मुल्जिम भाग गया, लेकिन एक बात बता दूं पहलवान, पुलिस अब चक्कर लगाती रहेगी। ओए होए 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 होए, फिर तो जमीला आपके हाथ में नहीं आएगी। वैसे मैं एहतियातन पूछ लूंगा, अगर वकील की जरूरत पड़ी तो मैं हाजिर हूँ। देख भाई आरिफ, मैं तुझे मार दूंगा गोली। अबे तू जानता तो है कि मैं जमीला से शादी करने वाला हूँ, तू अपनी आफरे दे रहा है उसे। अरे बाबू भाई, मैं तो केस की बात कर रहा था, अगर पुलिस वालों ने जमीला को पटा लिया तो फिर आप क्या करेंगे? तू ऐसी बकवास करता क्यों है जिससे मुझे टेंशन हो? टेंशन? टेंशन देने वाले पे भी केस बनता है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा कानूनदान हूँ। हाँ, पता है मुझे। चाय पिएगा? नहीं मैं नहीं पीऊंगा, मेरा बस चले तो मैं पूरे मोहल्ले में लंगर लगवा दूंगा। यार ये तो बाकी नवाब लग रहे हैं मुझे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक काम करो ये लो। अरे भाई अब अच्छा सा खाना भी बनवा दो अम्मी से। अच्छा सा खाना, अच्छा सा है? अच्छे से खाने की शक्ल देखी कभी तुमने? नवाबों की शक्ल नहीं, अकल और मिजाज होता है। माशाल्लाह से दोनों चीजें तुम्हारे अंदर नहीं है। अगर अकल नहीं होती तो पूरे मोहल्ले से कैसे उधार लेके आता जिसकी पेमेंट अब तुम करोगे? उसको अकल नहीं कहते, बगैरती कहते। अरे ये क्या, कहीं उस भूखे ने देख तो नहीं लिया? अरे माँ उसी के हैं ये। उसी के? अरे कहीं तेरे हिसाब में उधार तो नहीं ले आया? अरे माँ कोई देखे गया यार। कौन देखे गया? अरे यार वो अपनी जिमी नहीं है, वो देखे गई। जमीला देखे गई? क्यों? ये उसके दफ्तर गया था। दफ्तर तो हम भी उसके जाते, हमें तो कभी एक प्याली चाय की नहीं पूछी उसने। अरे यार ये उसके दफ्तर गया था, उसने उसको जाके वो बताया कि ये नवाब है और वो मान गई शादी के लिए। मान गई?
शादी के लिए नहीं, माँ तो हर बात पे इमोशनल हो जाती है। अरे तू ही कह रहा है कि मान गई। अरे भाई वो इस बात पे मान गई कि इसने जब उसको जाके बताया कि वो नवाब है तो इस बात पे वो मान गई कि ये नवाब है। अरे ये कंगला कहाँ से नवाब हो गया? अरे माँ मुझे तो लगता है इसके पास बहुत पैसे हैं और ये बहुत नवाब है, हमने उसको भूखा नंगा नवाब बनाया हुआ है। नोटों की गड्डियां तो मैंने भी देखी हैं इसके पास। है ना माँ, इसका मतलब ये वाकई नवाब है ना? और क्या, फिर तो हम भी नवाब हैं। अरे हम कहाँ से नवाब हो गए? अरे हम उसके रिश्तेदार हैं तो नवाब ही हुए ना। अरे माँ तू समझ नहीं रही यार, आजकल जिसके पास पैसे होते ना वो बहुत बड़ा नवाब होता है, बस समझ आई। इसका मतलब है ये नवाब है। हाँ, अब ये बताओ माँ कि इसको लूटने का करना क्या है? ए खबरदार लूटने की बात की तूने, इसने अगर हम पे केस कर दिया ना तो पकड़े जाएंगे, पुलिस वैसे ही मोहल्ले में घूम रही है। अरे माँ ये हम पे कहाँ से केस करेगा, इतना उधार इसका हम पे चढ़ा, मेरा दिल तो चाहता मैं इस पर ट्रक चढ़ा दूं। ट्रक चढ़ा दूं? ट्रक है तेरे पास? और अगर बिलफर्स तेरे पास ट्रक हो भी तो कहीं दूर जाके चढ़ाना इस पे, वरना पूरा मोहल्ला अगर देख लेगा ना हमारी रिपोर्ट कर देगा पुलिस में जाके। अच्छा अच्छा ठीक है माँ, एक काम करते हैं, जब ये रात को सोएगा ना मैं इस पे कार्रवाई डाल दूंगा। अभी तू कह रहा है पैसे लूटने हैं, फिर तू कह रहा है कार्रवाई डालनी है, मेरी तो समझ में नहीं आता तेरा मतलब क्या है। अरे माँ दोनों बातों का एक ही मतलब होता है यार, बुड्ढी हो गया तू। बकवास ना कर, बेशरम नहीं तो माँ को बुड्ढी कह रहा है, बेगैरत नहीं तो क्या कहो, शनाख्ती कार्ड बनवा लेना अगले साल, ये कहो दफा। अरे जमीला जी कैसी हैं आप? मैंने सुना है कि पुलिस बड़े चक्कर लगा रही है आपके दफ्तर के। चक्कर नहीं लगा रही, सीधा दफ्तर में आके बैठ जाती है। अच्छा बड़ा अच्छा रास्ता याद कराया आपने पुलिस को कि कहीं रुकती ही नहीं। तुम्हारे घर भेज दूं, वहाँ रुक जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरे घर क्यों भेजेंगे, और मैं कौन सा किसी से डरता हूँ। अच्छा बात सुनो, तुम्हें ये पता है कि सलमान के घर नवाब साहब आए? ये नवाब सलमान के घर क्यों आया, केबल लगवाने? अरे हाय नवाब को केबल की क्या जरूरत है, वो तो बहुत बड़ा नवाब है। नवाब केबल नहीं देखते क्या? और ये सलमान के घर क्या करने आए? अरे वो सलमान के दूर परे के रिश्तेदार हैं, मैंने तो उनके हाथों में इतनी बड़ी नोटों की गड्डी देखी, कह रहे थे गरीबों में बांटूंगा। फिर तो पेचकस को पूरी नोटों की बोरी देके जाएंगे। अल्लाह यही तो मैं सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि उस बड़े मियाँ को कैसे मैं अपने घर लेकर जाऊँ। इसका मतलब है आप राजी हैं? हाँ तो जाहिर बात है, इतनी सारी दौलत कोई देखेगा तो मानेगा ना। नहीं मेरे ऐसे कोई नवाबी वाले शौक नहीं है। मेरा मतलब ये कि अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम भी मान जाते। नहीं आप जिस जगह पर हैं बिल्कुल ठीक है, आप अगर नवाब से शादी करना चाहती हैं तो मेरा बताइएगा जरूर, कि मैं बहुत गरीब और यतीम इंसान हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई, बताइएगा जरूर। ओहो तुम खुद क्यों नहीं चले जाते सलमान के घर, मेरा सलाम भी कह देना नवाब साहब को, वैसे उन्होंने कल खुद आने का कहा है। अच्छा मैं अभी जाता हूँ। अबे ओ, ओ आरिफ, अबे ओ वकील के बच्चे कहाँ जा रहे हैं तू? यार बाबू भाई बहुत जरूरी काम से जा रहा था। अबे सारी बकवास सुन ली है मैंने तेरी, किससे शादी का मशवरा दे रहा था तू? मैं मशवरा थोड़ी दे रहा था, वो फैसला कर चुकी है, बस आज का दिन है, सुबह उसने निकाह पढ़वा लेना है, अगर अगला मान गया तो। ये अगला कौन है भाई? नवाब, नवाब गरीबों को ना इतने इतने नोट बांटता है, वो नवाब से शादी कर रही है। अबे ये नवाब का बच्चा आखिर है कौन और कहाँ रहता है? सलमान के घर। मैं भी गरीब बन के जा रहा हूँ इमदाद लेने के लिए, कहीं वो सारी इमदाद सलमान को ना बांट दे। मैं तो कह रहा हूँ आप भी चले। बैठ बैठ। अबे वो मेरी इज्जत का जनाजा निकाल के चला गया और तू उससे इमदाद लेने जा रहा है? ये कब हुआ? तो वो जमीला से शादी कर रहा है तो मेरी इज्जत लुटने जैसी बात है ना। हाँ ये तो है, लेकिन मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? देख भाई अरे, अबे मैं तुझे साफ साफ बता रहा हूँ, अगर जमीला की शादी किसी और से हुई ना मैं ये मोहल्ला छोड़ के चला जाऊंगा। बाबू भाई मेरी बात सुने, देखिए मैं आपसे वादा करता हूँ मैं जमीला की शादी किसी से नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये गैर कानूनी है, आपको पता है इस पे भी केस हो सकता है। अबे अरे वकील सही बता यार। इसीलिए कहता था कि शादी कर लो। तू अभी तक जिंदा है? अरे हम शादी किए बगैर कैसे मर सकते हैं? अबे तुझे तो पुलिस ढूंढ रही है। अरे तो हम कौन सा छुपे हुए हैं? अरे हम भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। अच्छा तो तुम पुलिस को ढूंढ रहे हो, कल तक तो तुम छुप रहे थे। अरे हमने ऊपर डीएसपी को शिकायत कर दी, उन्होंने फौरन ऑर्डर किया कि इंसाफ का मसला हल करो। तो यार ये सही है भाई, अभी तो मैं भी डायरेक्ट डीएसपी के पास जाता हूँ, उसको कहता हूँ कि मेरा शादी का मसला हल करा दे। उसने शादी का नहीं मसले के हल का ऑर्डर किया है। अबे तो तेरा मसला तो शादी है ना? ना
5,000 हैं अब। शादी तो अब रिकवरी के बाद ही करूंगा। अबे बेटा 5,000 में तेरी शादी तो फकीरनी से भी नहीं होनी। अबे तू तो सारी उम्र अब फकीरनी फकीरनी करता रही हो भाई। बाबू भाई वो जब वो तैयार होकर आई थी ना बड़ी मस्त लग रही थी, चले सिग्नल पे। चल यहाँ से, तू क्या फकीर समझ रहा है मुझे? बाबू भाई मैं तो फकीरनी ढूंढने की बात कर रहा हूँ। मैं रहने दे समझा ना, मोहल्ले में बहुत इज्जत है तेरे भाई की, सब भाई भाई कह के बुलाते हैं। अबे कल को फकीर फकीर कहने लगे तो? अच्छा तो फिर आप इस फकीर से गपशप करें, मैं सलमान से मिलकर खबर लेता हूँ कि आखिर ये नवाब चीज क्या है। लोड शेडिंग कहीं का। अपने आपको क्या समझ, बहुत सारे वकील हैं। कौन है बे? मैं दरवाजा बजा रहा हूँ यार। क्या बकवास है? क्या बकवास क्या मतलब है यार, मैं दरवाजा बजा रहा हूँ। हाँ, आ गया। क्या बकवास है? अभी बकवास नहीं है, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में कोई आया है। हाँ भाई, मैंने पूरे मोहल्ले से सुना है मेरे घर में मामू आया है। चाहिए तुम्हें? नवाब है। हाँ भाई बहुत बड़ा नवाब है, तुम्हें चाहिए कि नहीं ये बताओ। बहुत बड़ा नवाब है, फिर मैं घर ले जाता हूँ, थोड़ी सी खिदमत कर लूंगा, हो सकता है 2-4 लाख नवाज दे। हाँ, हो सकता है 2-4 लाख नवाज दे। भाई इसका मतलब है तुम्हें भी पता चल गया उसके बाद पैसे। देखो मिल पाओगे ना मुझे? देख सलमान तू मेरे काम आएगा तो फिर मैं तेरे भी काम आऊंगा। हाँ भाई तू मेरे काम आता तो मैं भी तेरे काम आऊंगा ना भाई। कल आके मामू को ले जाना। आप घर ले जाओ। अबे घर ले जाके क्या करूंगा, नवाब नवाब खेलूंगा क्या? मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए। अरे भाई वो तो हम रात को लूटेंगे ना। अच्छा लूटने का प्रोग्राम बनाया है बेटा, अगर तूने लूट लिया ना मैं तुझ पे केस कर दूंगा। और सुन, शराफत से मेरा हिस्सा मेरे घर पहुंच जाए। अरे भाई काहे का हिस्सा, वो मेरा मामू है। अगर वो नवाब है तो मामू कैसे हो गया तेरा? अरे अगर वो मेरा मामू नहीं है तो तुम्हारा नवाब और तुम्हारा हिस्सा कहाँ से हो गया? भाई मैं वकील हूँ इस मोहल्ले का। चौकीदार तो नहीं है ना तू? ठीक है बेटा तू सुबह तैयार है, मैं पुलिस को इत्तला दूंगा तूने बगैर लाइसेंस के मामू रखा हुआ है। अरे भाई मामू कोई मोटरसाइकिल थोड़ी, इसका लाइसेंस रखूंगा मैं। वो तो तुझे सुबह ही पता चलेगा। अच्छा सुन सुन भाई 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 अगर पकड़े गए तो तू संभाल लेगा ना? अबे तू फिक्र ही नहीं कर, मैं जानू मेरा काम जाने, अगर तेरा किसी ने नाम भी लिया ना मैं उस पे केस कर दूंगा। ये होना बात भाई। बात सुन, पूरी तरह लूटना बल्कि दोनों हाथों से लूटना। वैसे तेरा प्लान क्या है? भाई यही के जब हम अपना सो जाएगा ना भाई तो हम पैसे उड़ा लेंगे। अबे उड़ा लेंगे तो पकड़ोगे कैसे? अरे भाई अच्छा अच्छा वो उड़ाने वाली बात कर रहे हो आप। बात सुन कुछ एडवांस मिल जाएगा? अरे भाई लूटने का कौन सा एडवांस होता है भाई। भाई काम कर तू यहाँ खड़ा, मैं अंदर जाके मामू को बोलता हूँ कि हम तुझे लूटने वाले, थोड़ा एडवांस करा दे ठीक है भाई। नहीं 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 भाई पागल हो गया क्या, कल कर लेंगे कोई मसला नहीं। तू जा तू जा तू जा तू जा जा। मामू एडवांस नवाब लाओ एडवांस। नहीं 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 नहीं। हाँ भाई मामू आ गए। कौन आ गया? पुलिस। खाने के टाइम पुलिस? बुरा वक्त और पुलिस कभी भी आ सकती है। अच्छा तो आ गया? नहीं नहीं अभी नहीं आया, अभी वक्त है। भाई हमारी बहन ने बड़ा मजे का खाना बनाया है, हमें तो बहुत मजा आ रहा है, जरा इसे भी चखा दो। अच्छा है, खुद जो है ठोस रहे हो और हमें चखाओ सिर्फ। अरे बेटा 1-2 दिन के लिए तुम डाइटिंग कर लो जब तक मैं यहाँ हूँ, अगर तुम खाते रहे ना तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा खाने को। हाँ थोड़े दिन की तो बात है, सुबह तक की तो बात है, वैसी इसकी आखिरी रात चल रही है। क्या मतलब आज की रात है? क्या होने वाला है बेटा? ओ कोई बात नहीं ज्यादा, बस असल में खाने में ना जहर डला। क्या खाने में जहर है कम्बख? खाने में जहर है? जहर के बावजूद इतना मजे का है तो फिर मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं सारा खा लूंगा ये जहर ताकि तुम लोगों को कुछ ना हो। मैंने सारा खाना इनके सामने रख दिया और तुमने इसमें जहर भी मिला दिया, अब ये सारा खाना ये कमबख्त खा जाएगा। अरे माँ मैंने कहाँ डाला है यार, मैं तो खुद बाहर से आ रहा हूँ। तो क्या मतलब है मैंने डाला है? अरे यार मेरा कहने का ये, अरे हर बात पे नाराज क्यों हो जाती है? नहीं खाना आ जाता है जहर करने खाना। अरे यार दिल तो करता है असली में जहर डाल के ना तुझे मार दूं मैं। की तरह बस भाई सलमान तेरी बहुत बुरी नजर और नियत है। तुम्हें किसने बताया? मेरा कहने का मतलब है कि आपका क्या मतलब है कहने का? हम ना कल शॉपिंग करने चली। अरे नहीं माँ, सबसे पहले अपन लोग मोटरसाइकिल लेंगे। अच्छा थोड़ी लगेगा कि माँ और बेटा शॉपिंग करने जा रहे हैं और उनके पास नया मोटरसाइकिल नहीं है। माँ माँ
कुछ खाने को दे दे यार, सारा उस भूखे नंगे को तो नहीं दे दिया। अरे मैंने तो ये सोचा था कि पेट भर के खाना खाएगा तो पढ़ के सो जाएगा कमबख्त, लेकिन उसने तो एक डकार में सारा खाना हजम। हाँ कोई बात, एक रात को कर लिया ना, कल सुबह तो होगी ना, सुबह देखना इसकी मैं ऐसी की तैसी करता हूँ। अरे ये ना हो सुबह उठ के कहे कि हम लोगों ने पैसे चोरी किए। अरे माँ बोलते रहे, अपने बाप का क्या जा रहा है, उसके पास कौन सा सबूत है, मैं जरा देख के आऊँ कि सोया क्या। हाँ हाँ जल्दी जा। हाँ भाई मामू सोने लगे हो, चलो सो जाओ, थक गए होगे तुम सुबह से। मैंने पूरे दिन में ऐसा क्या किया जो मैं थक जाऊं। अबे यार पूरा दिन नवाब बन के तुम घूमते रहते हो, मजाक बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, वैसे मुझे पता है तुम कौन हो। क्या पता है तुम्हें? कुछ नहीं कुछ नहीं, सो जाओ सो जाओ, कुछ खाने पीने को चाहिए तो बताना मुझे। कुछ है खाने पीने को? नहीं। तो फिर पूछा क्यों? कोई फायदा नहीं है, ठीक है तुम सो जाओ, शाबाश। एक प्याली दूध की मिल जाती तो नींद बड़े मजे की आती। मजे की मतलब गहरी? हाँ यार, दूध पी के सो हो तो सुबह कब होती है पता ही नहीं चलता। बेशक तुम्हारा सामान चोरी हो जाए। मेरा यहाँ कौन सा सामान है? अरे सामान तो हमारा पड़ा है ना, परेशानी तो हमें होनी चाहिए। खैर मैं देखता हूँ, अगर भैंस वैंस जागी उसे तुम्हारा दूध मांग के आता हूँ। सो जाओ तुम, सो जाओ सो जाओ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। ओ भाई मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, अपनी फिक्र करो, चुप करके सो जाओ अभी, अल्लाह तुम्हें खुश रखेगा। माँ क्या कर रही है? अरे जगह तलाश कर रही हूँ कि नोट छुपाएंगे कहाँ। अरे छुपाने को छोड़, ये सोच के उड़ाने कैसे माँ? पतंगे क्या जो उड़ाएंगे, सोया क्या नहीं? इतनी जल्दी कहाँ से सो गया, अभी तो उठा बता। हाय उससे कहो भाई सो जाए, हमें भी नींद आ रही है। हाँ ठीक है, एक काम करता हूँ, उसको जाता हूँ और कहता हूँ कि तू सो जा, जब तेरी ये आग लगने लगे ना तब हमें उठा देना, ठीक है? वो सो गया तो हमें कैसे उठाएगा? तो ये तो कह रहा हूँ कि उसको जब तक नींद नहीं आ जाती तब तक हमें जागे रहना। अच्छा चल ठीक है, जाके देख के आता हूँ, जब सोएगा तो इशारा करूंगा, आ जाना। हाँ ठीक है। हाँ ये क्या, कहीं पैसे लेके फरार तो नहीं हो गया? अरे भाई सलमान तेरी बहुत बुरी नजर और नियत है। तुम्हें किसने बताया? मेरा कहने का मतलब है कि आपका क्या मतलब है कहने का? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं तेरे खाने में तो उन्हें कुछ मिलाया था या तेरे हाथ से दूध पीने से मैं। ओ मामू हल्के हो जाओ, जिस टाइम से हमारे घर में हावी हो ना उस टाइम से सारी चीजें मेरे हाथ से खा रहे हो, सारी चीजें मैं खुद लेके आया हूँ। क्या हो गया? फिर से गड़बड़ हो रही है। अरे यार अब लगता है पूरी रात यही चलता रहेगा, मुझे अपना काम नहीं करना। तो 100-200 रुपया भी नहीं पड़ा क्या? माँ मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि उस कमबख्त के पास इतने सारे नोट थे। माँ हम ना कल शॉपिंग करने चली। अरे नहीं माँ, सबसे पहले अपन लोग मोटरसाइकिल लेंगे। अच्छा थोड़ी लगेगा कि माँ और बेटा शॉपिंग करने जा रहे हैं और उनके पास नया मोटरसाइकिल नहीं है। अच्छा इधर दिखा तो सही, इधर मुझे दे देखूं कितने मैं गिनूं, इधर दे। अरे नहीं माँ तुझे कौन सा हिसाब आता है, मैं खुद गिनता हूँ। तो सबर कर यार, सोचिए तो सही हमें क्या क्या लेना है। अरे अरे क्या हुआ? हाँ मामू हमें फिर से मामू बना के चला गया। क्या मतलब पैसे कम है क्या? अरे नहीं पैसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा, हमारी सोच से भी ज्यादा है, लेकिन नकली है। क्या कहा? नकली है? ये कमबख्त नकली नोट लेके घूम रहा है? घूम नहीं रहा, हम सबको घुमा रहा है। तेरी नोट दिखा दिखा के ना इसने जिम्मी को भी फंसाया, और वो अपना वकील भाई नहीं है, भाई भी आया था, कह रहा था कि नवाब साहब को कहना कि मुझे इमदाद दे, बल्कि नवाज दे। इसके पास कौन सा नवाज है जो ये देगा? अरे माँ तो इन सारी बातों को छोड़, मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं इसको ना असली जहर दे दूँ। इसने जिम्मी को भी ना इन्हीं नोटों से बेवकूफ बनाया। बहुत अच्छा है, बेवकूफ बनती रहे वो कमबख्त, उसे भी तो थोड़ा पता चले। वो तो बन गई है, अब इसको दफा कैसे करना तू देख, मैं इसके सुबह क्या करता हूँ।
मैं सुबह से ऐसा करूंगा ना पूरी दुनिया देखेगी। तू एक काम कर, अभी जाके ना ये सारे नोट उसके सिराने रख दे। हमें क्या कर दे ये नकली नोट, जा। ले जा, ले जा। अरे आइए आइए नवाब साहब, प्लीज बैठिए। आपका तो मैं बेचैनी से इंतजार कर रही थी। अरे हम तो कब के आ चुके होते, मगर हमारी भी रात बड़ी बेचैनी से गुजरी है, बल्कि यूं कहिए कि बाथरूम में गुजरी है। हैं? आपके घर में कोई जगह नहीं थी जो आप बाथरूम में सोए? नहीं नहीं, जगह तो थी, लेकिन हमें जो अमल अंजाम देना था वो हम सिर्फ बाथरूम में ही दे सकते थे, इसलिए हमारा बाथरूम में आना जाना रहता। अच्छा अच्छा, छोड़े ये बताएं, आपने फ्रूट खाए? हाँ हाँ जी, फ्रूट तो खाए थे, उसी के बाद तो हमारी तबीयत नासाज हुई। अच्छा, अब कैसी तबीयत है? डॉक्टर को यहाँ बुलाओ या आप अस्पताल जाना पसंद करेंगे? अगर हो सके तो यही मंगवा ले, और अगर लेडी डॉक्टर हो तो बेहतर। वो क्यों? हाँ जी, वो जरा मर्द डॉक्टर जो है ना, वो ठीक चेक नहीं करते। वो सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे डॉक्टर भी होते हैं। मैं अभी कॉल करके बुलवाती हूँ आपके लिए। रुक जाइए। हेलो जी, जमीला बात कर रही हूँ। जी जरा आप मेरे दफ्तर किसी नर्स को भेज दीजिए, अच्छी सी लेडी डॉक्टर को। हमारे होने वाले नवाब साहब की तबीयत बहुत नासाज है। होने वाले नहीं, हम तो आप ही के नवाब हैं। हाय ना, कसम खाएं। अभी नहीं खा सकता, वरना मेरे को फिर वही दौरा पड़ जाएगा। कल खा लूंगा जितनी कहेगी। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। अच्छा ये बताएं नवाब साहब कि आप शादीशुदा हैं? भाई दरअसल बात यह है कि हमारे मिजाज से मिलती जुलती कोई मिली नहीं, अगर मिलती तो अब कब की शादी कर लेते। बस इसी चक्कर में हम जरा लेट हो गए। मेरा मिजाज आपको कैसा लगता है नवाब साहब? आप तो शक्ल से ही शहजादी और नवाबजादी लगती है, मगर आपकी तो शादी हो गई होगी ना? हाय अल्लाह, कहाँ हुई है मेरी शादी? मैंने तो बचपन में अपनी अम्मी से कह दिया था कि मैं तो किसी नवाब से शादी करूंगी। तो फिर क्या बना अम्मा का, जिंदा है या नवाब ढूंढते ढूंढते दूसरी दुनिया में निकल गई? बस बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई। हाँ भाई, नवाब ढूंढने के लिए भी बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। क्या, नवाब पापड़ से निकलते हैं? अरे भाई मैंने महावरतन बोला है, लगता है आपकी उर्दू कमजोर है। आजकल सब कहते हैं कि खूबसूरती पे तवज्जो होनी चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि खूबसूरत तो एक ज़बान है। वाह 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 वाह, क्या हुआ नवाब साहब, पेट में दर्द हो रहा है? नहीं जी नहीं, क्या बात बोली आपने, खूबसूरत भी एक ज़बान होती है। वाह 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 वाह, जरा मुझे मजाक देने दीजिए इस बात का। लीजिए नवाब साहब, आ गई जिसका इंतजार था। सुनिए मेरा एक काम कर दे, उसे ऐसा इंजेक्शन लगा दे कि मोहल्ला तो क्या दुनिया ही छोड़ जाए। क्यों बाबू भैया, आपको क्या प्रॉब्लम है उनसे? वो जमीला से शादी कर रहा है। मुझे आरिफ वकील कहते हैं। कौन कहता है? मोहल्ले वाले। मोहल्ले वाले तो आपके लिए और भी बहुत कुछ कहते हैं। वाह वाह वाह, क्या हुआ नवाब साहब, पेट में दर्द हो रहा है? नहीं जी नहीं, क्या बात बोली आपने, खूबसूरत भी एक ज़बान होती है। वाह 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 वाह, जरा मुझे मजाक देने दीजिए इस बात का। लीजिए नवाब साहब, वो आ गई। अच्छा तो ये है वो हसीन और जमील डॉक्टर। नवाब साहब, जमीला मैं हूँ, ये तो सिर्फ डॉक्टर है। हाँ, तो फिर आइए ना, करीब आइए ना, इतनी दूर क्यों खड़ी है? क्या हो गया आपको, इतने करीब तो खड़ी हूँ आपके, अब चेकअप करवा लें और कुछ बता भी दें। वैसे ये है कौन जो खुद को बीमार कह रहा है? अरे कैसी बातें कर रही हो, ये नवाब साहब है, नवाब साहब बहुत बड़े नवाब है, पैसे वाले। नहीं नहीं नहीं, आम से आदमी लग रहे हैं, बल्कि इनका वजन तो आम आदमी से भी कम लग रहा है। मुझे तो ये डॉक्टर कम और कसाईयों की मलका ज्यादा लगती है। मैं मलिका, लेकिन ये मोटा सलमान समझे तो। अजी सलमान तो बच्चा है, उसको छोड़े, कोई एक्सपीरियंस बंदा ढूंढे जो आपकी खूबसूरती की कदर भी करे। क्यों हसीन जमीला? नवाब साहब बजा फरमा रहे। बहरहाल बीपी तो चेक करवा लें।
बीपी तो इनका बिल्कुल ठीक है। अरे बड़ी काबिल और ज़हीन डॉक्टर है, जरा ये तो बताइए आप कहाँ बैठती है, कभी मेरी तबीयत नासाज हुई तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो आपने अस्पताल तशरीफ लेके आना है, इस मोहल्ले के कोने पे है हमारा अस्पताल। बस आप समझे कि मैं अभी आया हूँ। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, आपने सुबह दोपहर शाम खानी है। हाँ, और खिलाएगा कौन? अरे नवाब साहब आप फिक्र क्यों करते हैं, मैं हूँ ना। हाँ जी, शुक्रिया जमीला, मैं तो फिक्र में पड़ गया था। ये दवाइयाँ आपने रेगुलर खानी है, ठीक है ना? खाना खाना है, जब भूख लगे तो जरूर खाना, लेकिन अगर भूख ना भी लगे दवाइयाँ फिर भी खानी होंगी। लाइए निकालिए मेरी फीस। फीस? अब फिकर ना करें, मैं खुद हॉस्पिटल आकर दे दूंगा आपको। ओह कैसी बातें कर रहे हो, पैसों की तुम फिक्र ही मत करो, नवाब साहब के पास बहुत पैसा है, मैंने खुद देखा है जेबों में नोटों की गड्डियां। पैसे तो मुझे भी दिख रहे हैं, लेकिन निकालते हुए मौत आ रही है इन्हें। मजाक कर रही है। नामलेकम बाबू भैया। वालेकुम अस्सलाम सोनिया, क्या हुआ, खैरियत, कौन बीमार हो गया? अरे कोई नवाब साहब आए हुए हैं मीला के ऑफिस। अल्लाह करे वो तो मर ही जाए। सोनिया मेरा एक काम कर दे, उसे ऐसा इंजेक्शन लगा दे कि मोहल्ला तो क्या दुनिया ही छोड़ जाए। क्यों बाबू भैया, आपको क्या प्रॉब्लम है उनसे? वो जमीला से शादी कर रहा है। हाँ, और जमीला भी उनसे ऐसे बातें कर रही थी कि जैसे अभी निकाह पढ़ा लेगी। तुम्हें कहीं पढ़ा तो नहीं लिया? नहीं नहीं, अभी नहीं पढ़ाया, लेकिन जल्द पढ़ा लेगी। ओ, अच्छा, तो मैं सलमान को बुला करके बात करता हूँ, चलता हूँ मैं। हाँ? अब मेरे ख्याल से आपको घर जाकर दवाई लेनी चाहिए और सुकून से सोना चाहिए। अब फिर आपने क्या सोचा? अरे इसमें सोचने की क्या बात है, डॉक्टर तो खूब हसीन है और जमीला तो आप है। मैं अपनी बात कर रही हूँ नवाब साहब। अरे आपकी बात कैसे हो सकती है, आप उससे मेरी बात करें। आपने तो शादी के लिए कहा था। भाई मैं भी शादी की बात कर रहा हूँ, अपनी शादी की। ये मैं छोटी मोटी अफेयर्स को गुनाह समझता हूँ, इसीलिए बस सीधे निकाह की बात करूँ। जी मैं भी तो वही चाह रही हूँ। हाँ तो बस फिर करवाए मैं। अरे नवाब साहब मैंने किसी से कोई मशवरा नहीं लेना, मैं खुद ही अपनी माली को खुद मुख्तार, बस आप काजी लेकर आए निकाह पढ़वा, और देखिए मुझे हमेशा खुश रखिएगा और सारी दौलत जायदाद मेरी झोली में डाल दीजिएगा। अरे भाई पहले तो खुशियाँ मांगी जाती थी, प्यार मांगा जाता था, अब पैसे से खुशियाँ मिलती है नवाब साहब। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तो मैं अब चलता हूँ, जाकर दवाइयाँ खाता हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। टेक केयर। कितने पैसे वाले ही नवाब है, मुझे तो थोड़े दिन में बुढ़े को जहर देके मार दूंगी, सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। नवाब साहब। अरे नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नवाब साहब कैसी तबीयत है आपकी? आपको कैसे पता चला कि मेरी तबीयत खराब है? मैं तो वैसे ही आपका मिजाज पूछ रहा था, मुझे आरिफ वकील कहते हैं। कौन कहता है? मोहल्ले वाले। मोहल्ले वाले तो आपके लिए और भी बहुत कुछ कहते हैं, वो तो आपने नहीं बताया। आपको मेरे बारे में किसी ने भड़काया होगा, आप इसे गलत समझिएगा, बिल्कुल झूठ है ये, मैं बहुत अच्छा और नेक इंसान हूँ, बहुत बड़ा कानून दान हूँ। शरीफ और नेक, बात हजम नहीं हो रही है। आप एक काम करें, एक हाजमोला ले लें, सब हजम हो जाएगा। आप एक बात बताइए कि माल कब बांट रहे हैं? भाई कौन सा माल? मैंने सुना है कि आप बड़ा माल तकसीम करने वाले। मुझे माली इमदाद की अशद जरूरत है, मैं माली तौर पर इतना कमजोर हूँ कि मुझसे फकीर भी नफरत कर गई। भाई अगर कमजोरी का मामला है तो किसी हकीम से राबता करें ना आप। नहीं नहीं मैं आप समझे नहीं, मैं माली तौर पर कमजोर हूँ। वो तो मैं भी हूँ। आप तो नवाब है। छोरे जी मजाक ना करे, मेरी तबीयत खराब है, मुझे जाना है। अच्छा ये बताइए कि आप जमीला से निकाह फरमा रहे हैं? हाँ भाई, जमीला के साथ निकाह भी कर लेंगे, जरा तबीयत ठीक हो जाए ना,
तो फिर जमीला के साथ ही उनके दफ्तर में बैठा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हाथ हो गई। अजीब नवाब है, बीवी को महल में रखने के बजाय खुद उसके दफ्तर में बैठेगा। देख यार सलमान, तू तो मेरा जानू बच्चा है ना यार, तू तो जानता है मैं जमीला के बगैर नहीं रह सकता यार। अरे बाबू अभी भी तो जमीला के बगैर ही रह रहे हो, अभी वो तुम्हारे साथ कौन सा रहती है। वो यार एक काम कर लेना, वो तो इसको निकालना अपने मामू को यार। बाबू मेरा बस चले ना, उसको मैं घर से क्या दुनिया से निकलवा दूं। पूरा दिन मोहल्ले में घूम के ना मुझे कर्जदार बना देता है, फिर 8 बंदों का खाना अकेले खा जाता है, रात बाथरूम जाता रहता है और मेरी जिंदगी अजाब कर देता है। अबे तू तो मेरा बच्चा है ना यार, कुछ सोच, निकालना उसे घर से ताकि हम सबकी जिंदगी में सुकून आ जाए। अरे बाबू बाबू ये जमीला की कुछ समझ नहीं आती कि उसको मामू में क्या पसंद आ गया, उसके लिए फ्रूट ला के भेज रही है, कह रही है जाके नवाब साहब को दे, हम उसको खाने को नहीं पूछते, वो उसको फ्रूट दे रही है। लो करे वो फ्रूट खा के ही मर जाए, तो मैंने देख लिया ना गला दबा दूंगा उसका मैं। बाबू मैं करता हूँ कुछ ना कुछ, करता हूँ। हाँ यार कर ले यार, देख लो यार। अबे आरिफ वकील से मशवरा करता हूँ, कहाँ टपक गया ये मेरे और जमीला के बीच में ये मामू। अरे सलमान जानू लोड सेंटर, ये बता रातों कितना लोड किया। भाई भाई तुम्हें पता है ना कि रात को दुकान बंद होती है। अबे मैं उस लोड की बात नहीं कर रहा हूँ जो हमने प्लान बनाया था वो। अरे वो हाँ भाई हाँ हाँ हूँ करके बात नहीं टाल, ये बता मेरे हिस्से में कितने पैसे आए। अरे भाई भाई मेरे हिसाब से तुम्हारे हिस्से में 20,000 रुपए आते अगर मैं चोरी कर लेता। तो की क्यों नहीं भाई, चोरी मैंने कर ली थी, नोट हमारे हाथ में थे, खर्च करने का प्रोग्राम बना लिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नोट जरा गिन लो। जाहिर है गिने तो होंगे क्योंकि मुझे हिस्सा जो देना था। हाँ भाई भाई, लेकिन जब हमने नोट गिनने के लिए खोले ना तो उसके ऊपर ईद मुबारक लिखा हुआ था। क्या ईद कार्ड वाले लिफाफे में पैसे रखे हुए थे? अरे भाई बच्चों के नोट थे, बच्चों के। जाहिर है बच्चे बड़े के सबके नोट बराबर होते हैं यार। अरे मेरे बाप माफ कर दे मुझे भाई, भाई मेरा कहने का मतलब है नकली नोट थे। क्या वो नकली नोट लेके घूम रहा है? घूम नहीं रहा था, घुमा रहा था, पूरे इलाके को बेवकूफ बना रहा था वो। अच्छा तो इसका मतलब उसने जमीला को भी बेवकूफ बनाया, वो उसी पैसों के चक्कर में उससे शादी करना चाह रही है। तो भाई तुम्हें क्या लगता है वो उसकी जवानी देख के उससे शादी कर रही थी? अबे उसके पास जवानी है कहाँ भाई, भाई उसके पास कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ पागल बना रहे, एक नंबर का ठरकी आदमी है वो। तो बस बेटा मैं उसका बंदोबस्त करता हूँ, और जाके बाबू को भी बता दो सुबह से ढूंढ रहा है बेचारा, परेशान हुआ है जमीला के लिए। वो है कहाँ? बाबू उधर अपने अड्डे पे है, वहीं चला जा भाई। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। 50 का इजी लोड कर। 50 का? अरे नोट असली है ना, ईद मुबारक तो नहीं लिखा, आजकल बहुत मामू बना रहे लोग नोटों पे। हाँ सही है, नंबर बोलो। बाबू भाई अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके सारे मसले हल हो गए। मैं क्या खाक हल हो गए, हमें तो वो मुंह नहीं लगा रही जमीला और उसको नवाब को फ्रूट बांटती फिर रही है। बाबू भाई ये सब बकवास है। अबे अभी तो सलमान बता के गया मुझे यार। मुझे भी सलमान ने बताया ये सब बकवास है, कुछ नहीं है उसके पास, वो मोहल्ले में भरम कराता फिर रहा है कि मैं नवाब हूँ, जो पैसे ना उसके पास जिसपे जमीला पागल हुई हुई है वो सब नकली पैसे है बाबू। ये तू क्या कह रहा है आरिफ वकील? ये हकीकत है। तूने तो दिल खुश कर दिया आरिफ वकील। लेकिन अब उसको यहाँ से दफा कौन करेगा? इसका हल है मेरे पास, आप फिक्र ही ना करें। बड़ा वाला काने डल्ला है। हाँ बता। अब आप पर है कि आप सोनिया को कैसे मनाते हैं। अबे हाँ ना, तो सोनिया तो अपने घर की बच्ची है, भाई भाई कहती है तो भाई का इतना भी काम नहीं करेगी क्या? लेकिन उसको अस्पताल लेकर कौन जाएगा? किसी को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, सलमान को कह दीजिए वो डॉक्टर का झूठा पैगाम दे देगा, वो दौड़ा चला आएगा। एक नंबर का ठरकी है साला, पता है क्या उसने सोनिया को देखा हुआ है, वैसे भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो रहा है। जबरदस्त हो गया पहलवान ये तो, बड़ा दिमाग चल गया भाई तेरा वकील। अब देखता हूँ मामू को। वाह भाई बहुत ही खूबसूरत और अच्छी डॉक्टर थी, बड़ा आराम आ गया भाई। आपकी तबीयत खूबसूरती से ठीक हुई है या दवाई से? अरे भाई दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक है, और अब वो ये गहरा ताल्लुक मुझसे पैदा करना चाहती है। आपसे? जी हमसे। अरे नवाब साहब से तो पूरा मोहल्ला ताल्लुक बनाना चाहता है, लेकिन एक हम जो आपके घर पड़े हुए,
अरे आखिर हमारी बहन का घर है, हम कैसे किसी और के घर जाकर रहे? आप एक काम करें, आप जाके रहे वहीं जो आपको बुला रहे हैं अपने घर। खाना अच्छा लगे तो हमें भी वहाँ बुला लीजिएगा बहाने से। हद कर दी आपने तो। भाई बात सुने, सलमान आपसे बहुत तंग है, आप चले जाएं यहाँ से। तंग? मगर हम तो सोच के आए थे कि हम अपनी बाकी जिंदगी हमारी बहन के घर उसके साथ गुजारेंगे, बल्कि हमारी जो भी जमा कुंजी है वो भी हमने तो सोचा है कि हम आप ही को दे देंगे। अब हमारी तो कोई औलाद है ना, हमारे किस काम की? पता है मुझे आपकी जमा पूंजी का, सारी की सारी नकली। अरे बेना, मैं सारे कागजात अपने साथ लाया हूँ, कबाट में रखे हुए हैं, जिसमें मेरे एक मकान के कागजात है और मेरी दो दुकानें हैं, और इनकी कुल रकम इस वक्त भी 80 लाख से कम नहीं है। 80 लाख असली या नकली? मकान के पैसे असली में ही मिलते हैं। अरे आप इतना बड़ा फैसला करके आए हैं तो फिर आप हमारे साथ ही रहिए, मतलब ये है कि हम आपकी खिदमत करेंगे मरने तक, मेरा मतलब है सारी जिंदगी। हाँ तो बस फिर एक ग्लास केले का शेक बना के मुझे दे दीजिएगा। अभी मुझे दोबारा डॉक्टर के पास भी तो जाकर चेकअप करवाना है ना, अभी उसकी फीस भी तो देनी है ना, बेचारी ने उधार पे चेक किया था, हो सकता है इसी बात पर वो शादी भी कर ले। हाँ भाई मामू, कैसा चल रहा पेट का मामला? चक्कर लग रहे बाथरूम के? कहते हो तो अंदर बिस्तर लगवा दूं। नहीं भाई, बड़ी काबिल डॉक्टर थी यार, सब ठीक हो गया बिल्कुल। अच्छा काबिल है, तभी पूछ के गई है कि मामू जान की तबीयत ठीक है, ऐसे पेट मेट का पूछ रही थी तुम्हारा। हाँ तो मैं अभी जा रहा हूँ ना उसके पास दोबारा चेकअप करवाने के लिए। अरे लेकिन वो केले का शेक तो पीते जाइए। अरे माँ शीख मेरे को छोड़ो ना यार, अभी दिल का मामला, शीख तो छोटी, तुम जाओ तुम जाओ। दिल का मामला ना, चेक करवा। इतना बुड्ढा है ना ये, इसका दिल विल नहीं होगा, ऐसी कोई मशीन मशीन अलार्म वाली घड़ी लगी हुई होगी अंदर। हाँ, आप वही नवाब साहब तो नहीं हो जो जमीला के ऑफिस में मिले थे? अरे उस नवाब को तो हम वही दफन कर आए, ये जो आपके सामने खड़ा है ये तो गुलाम है। क्या मतलब कि आप उस नवाब को दफन कर आए? तो आप उसके रूह? आपकी शादी होगी? ये कैसा सवाल हुआ? जनरल नॉलेज का। कोरंगी के सतरंगी, कोरंगी के सतरंगी। हेलो जी, बोले सोनिया, मैं बोल रहा हूँ बाबू भाई। जी जी बोले बाबू भैया। सोनिया वो तुमसे एक छोटा सा काम था, बल्कि यूँ समझ लो बहुत ही छोटा सा काम था। अरे बाबू भैया, अगर इतना ही छोटा काम है तो रहने दीजिए ना, बिना वजह मेरा एहसान हो जाएगा आप पे। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा एहसान उठाने को तैयार हूँ, बस मेरा क्या, तुम पूरे मोहल्ले का एक काम कर दो। अच्छा काम बताइए। वो सलमान है ना केबल वाला? हाय अल्लाह, वो जानू, उसे तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन क्या हुआ उसे, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, उसके घर में एक मुसीबत आई हुई है शादी के लिए। क्या उसकी शादी हो रही है? बताइए मुझे कौन है वो लड़की, मुंह में जहर का इंजेक्शन लगा दूंगी। हम भी यही चाहते हैं कि जहर का इंजेक्शन लगा दो, मगर उसके मामू को। क्या सलमान उसके मामू से शादी कर रहा है? नहीं नहीं, उसका मामू जो है ना वो जहनी मरीज है, उसका इलाज करवाना है, बल्कि उसे अस्पताल में रखवाना है। रखना है या फिर एडमिट करना है? हाँ, हमारी तरफ से तो बस रख लो तुम उसे, बाकी तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो। बाबू भैया ये तो हमारा काम है, इसमें सिफारिश करने की क्या जरूरत थी, ले आइए उसे। वो खुद आ जाएगा, पैगाम पहुँचवा दिया उसे। ठीक है, दाफिस। हाँ सही, चल। डॉक्टर साहिबा आपने तैयारी करनी? कहीं जाना है? ओहो कहीं जाना नहीं है, कोई आ रहा है। ओ, अच्छा मुझे लगा हमें कहीं जाना है। वैसे एक बात बताओ। बात मैं किसी को बताती नहीं हूँ, लेकिन चले आप पूछते तो आपको बता देती हूँ। नहीं रहने दो, सिर्फ इतना बता दो कि कौन आ रहा है। पागल। पागल? तुम्हें पता है पागल कितने खतरनाक होते हैं? ओहो आप समझ नहीं रही हैं, मेरा मतलब है पागल नहीं, वो जहनी मरीज है।
तो सोनिया जहनी मरीज और पागल में कितना फर्क है आप जरा बता दें मुझे। अरे वही जो सलमान और उसके मामू में। क्या मतलब? अब देखिए ना, एक तरह से सलमान भी पागल ही हुआ। इतने अरसे से मैं उसको लाइने मार रही हूँ लेकिन वो है कि लाइन पे आ नहीं रहा। सोनिया मेरे ख्याल से बाहर कोई आया, तुम प्लीज जाके देखो। और अगर वो पागल हुआ तो मेरे पास लाने की से कोई जरूरत नहीं, मेरा बताना ही मत। क्यों, आपको जानता है? नहीं सोनिया, अगर तुम उसे इतना कह दोगी कि सिर्फ डॉक्टर रिजवान ड्यूटी पे, तुम्हें चेक कराएगा और चला जाएगा। चला नहीं जाएगा, यही रहेगा। क्यों, ये हॉस्पिटल है, कोई गेस्ट हाउस या पागल खाना तो नहीं है? हैं? तो फिर हम क्यों हैं अस्पताल में? हम भी कोई गेस्ट या पागल तो नहीं है। सोनिया हम स्टाफ है। तो वो मरीज है। तुम एक काम करो, जाके देखो बाहर कौन है। थैंक यू। आए हमारे सामने, ये हमारी मेहनत है। कभी हम उनको, कभी खुद को, और फिर उनको ही देखते रहते हैं। अरे उनको किनको? आपके सामने तो खड़ी हूँ, नजर नहीं आ रही क्या? वो क्या है ना, आपको देखा तो शेर याद आ गया। हाँ, आप वही नवाब साहब तो नहीं हो जो जमीला के ऑफिस में मिले थे? अरे उस नवाब को तो हम वही दफन कर आए। ये जो आपके सामने खड़ा है, ये तो गुलाम है। क्या मतलब कि आप उस नवाब को दफन कर आए? तो आप उसके रूह? आप समझी नहीं जी, हमने कहा कि नवाब हम पहले थे, आपको देखा तो नवाब ही खत्म हो गई। अबे ये तो जहनी मरीजिया लग रही है, ये तो तुझे पका रहा है। डॉक्टर साहबा को बुला ले भाई। नवाब साहिब, डॉक्टर साहबा को बुलाते हैं, तशरीफ रखिए ना। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। सारे पागल यही कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं जी। देखे जी, आप इतना मजाक ना करें, जरा इधर आए हमारे पास। अरे नहीं 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 नहीं, हम दूर से बिल्कुल ठीक हैं। आप बताइए ना। हम ठीक हो गए ना, और आपकी फीस नहीं दी, तो हमने सोचा कि आपकी फीस दे आए और दीदार भी हो जाए। दीदार? खबरदार जो आपने हमें दीदार कहा। मैं नर्स सोनिया हूँ, खबरदार जो आपने मेरे बारे में बकवास सोचा। तो आपने पैगाम भेजा तो हम फौरन चले आए, हम तो बनाना जूस छोड़ कर आए जी। आए हाय नवाब साहब, क्यों छोड़ के आए बनाना शेक? आप ले आते, मैं ही पी लेती। अरे तो आप कम करें, हम अभी जाकर लेके आते। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं नवाब साहब, आप बैठिए, हम लेके आते हैं कुछ आपके लिए। हाँ नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं रहने दे जी तकल्लुफ को, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है। भाई ये तो वाकई मेंटल है। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं नवाब साहब, आप तशरीफ रखिए, हम अभी आए, हम अभी आए। क्या कहा? हम अभी आए। किधर? जल्दी आइएगा। अरे डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर रिजवान, वो पागल आ गया है। तो बाहर निकालो उसे। ओके एक मिनट, पुलिस को फोन करो। तो ओफ, वो डॉक्टर वो पागल है। तो यही कह रहा हूँ मैं, बाहर निकालो उसे, कॉल करो पुलिस को। लेकिन डॉक्टर वो अपने इलाज के लिए आया है। सोनिया ये कोई पागल खाना थोड़ी है। लेकिन डॉक्टर इलाज तो अस्पताल में होता है ना। तो पागल खाने में और क्या होता है? ओहो, वहाँ पे पागलों को रखा जाता है। तो बाबा यहाँ इलाज कैसे होगा? ये तो आप ही बताएंगे ना, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं क्या बताऊँ, सब कुछ तुम खुद बता रही हो। अच्छा ये बताओ, पागलों का इलाज कैसे करेंगे? हम उसे इंजेक्शन देंगे, मेडिसिन देंगे। मतलब वो पागल इतना समझदार है कि तुम्हारे कहने पे वो दवाई भी खा लेगा और इंजेक्शन भी लगवा लेगा। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब इतना तो समझदार है वो। सोनिया अगर वो समझदार है तो पागल कैसे हुआ? वो पागल जरूर है, लेकिन इलाज समझदारी से करवाएगा। हाँ वाह भाई वाह, असली डॉक्टर तो ये बैठी हुई है। अब कौन है आप और इस तरह झांक क्यों रहे? आप कहती है तो हम अंदर आ जाते हैं, अगर आपको झांकना पसंद नहीं है तो। जी फरमाइए। हम नवाब होते हैं जी।
यहाँ सिर्फ मरीज होते हैं। जहाँ मरीज होता है वहाँ डॉक्टर भी होता है ना? आपको क्या प्रॉब्लम है? नर्स कहाँ है, बल्कि छोड़े जी नर्स को, आप अपनी ही बात करें। मैं क्या बात करूँ? कोई भी बात कर ले, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, बल्कि मैं तो आया ही सुनने के लिए हूँ। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तशरीफ ले जानी चाहिए। ये आपका ख्याल है या फैसला? फैसला। तो फिर आप अपना फैसला बदल ले, हमें मंजूर नहीं है। ये मेरा ख्याल है। तो आपको कोई अच्छा ख्याल नहीं आता? आप बहुत ही अजीब आदमी है। जी हम तो बहुत खास आदमी है। किसके? जो हमें खास समझे। शक्ल से तो आप बिल्कुल आम लगे, खास कैसे हुए? बात दरअसल ये है कि हमने सोचा कि हम कुछ रकम खैराती इदारे में दे दे, इसलिए हम यहाँ आए। सोनिया सोनिया सोनिया, तुमने अब मुझे बाल कर दोगी। तो फिर इलाज कौन करेगा? जाके डॉक्टर महेश को बोलो कि चेक कर ले उसे। नहीं नहीं सर, वो नहीं कर सकती। क्यों? सुबह तो मरीजों को बड़ा फरफर देख रही थी। सर मेरा मतलब है वो मरीज नहीं देख सकती। मरीज क्यों नहीं देख सकती वो? सर उन्हें पागलों से डर लगता है, कहती है काट लेता है। वो काटता भी है? नहीं नहीं सर, दो दफा मिल चुकी हूँ, ना तो उसने मुझे काटा है नहीं पीटा है। तो मतलब कि वो पीट भी सकता है? एक काम करो, डॉक्टर महेश को देखने दो उसे। डॉक्टर रिजवान प्लीज, आप मेरी सिफारिश पे उसको एडमिट कर लेना। सोनिया ये रिस्क मैं कैसे ले सकता हूँ? डॉक्टर साहब, बाबू भाई के कहने पे मैंने ले लिया, तो आप भी ले लेना प्लीज। लेकिन अगर उसने हमें कोई नुकसान पहुँचाया तो? अरे आप उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें, अगर उसने कोई हरकत की ना मैं पूरे मोहल्ले को जमा कर लूंगी। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। जीप लोग हैं यार। वाकई शक्ल से तो नहीं लग रहा था बिल्कुल। जेब से लगते हैं। अब मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ये यहाँ पे चाय डॉक्टर बनाता है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली वो मेरा इंटरकॉम काम नहीं कर रहा ना, तो मैं किसी से कहकर आती हूँ। अच्छा, चाय कह के आ जाइएगा, देर ना लगाइएगा। जी जी बिल्कुल, आप बैठिए, बस मैं यूं आई। नोटों का कमाल। सोनिया, सोनिया। जी डॉक्टर महेश। वो पागल चला गया या नहीं? चला गया बल्कि भाग गया। थैंक गॉड, उससे जान छूट गई, पीछे ही पड़ गया था। अच्छा एक काम कर दो प्लीज, दो कप चाय का किसी को कह दो, एक बहुत बड़े आदमी आए हुए। बहुत बड़े आदमी आए हुए? तो वो इस अस्पताल में क्यों आए? सोनिया तुम उस बात को रहने दो, तुम प्लीज किसी को चाय का कह दो, और पता है वो बहुत बड़ी रकम देने आए हमें। रकम? लेकिन आपको किस चक्कर में? सोनिया हॉस्पिटल के लिए और किस लिए, तुम प्लीज चाय का कह दो। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं दो कप चाय का कहती हूँ, आप बस रकम पकड़ियो। हाँ थैंक यू जी। तो बताइए कितना अमाउंट डोनेट करना चाहते हैं? अरे वो तो आप जैसा चाहेगी कर लेंगे। एक बात बताइए, आपकी शादी होगी? ये कैसा सवाल हुआ? जनरल नॉलेज का। अच्छा कौन से एग्जाम में आने वाला है ये क्वेश्चन? ये जनरल नॉलेज का सवाल जो है ना, ये कभी भी किसी पर्चे वर्चे में नहीं आता। ये जब भी आता है घर पे आता है या गली के नुक्कड़ पे आता है, जहाँ पे लोग अक्सर बैठ के यही बातें करते रहते हैं कि फलानी डॉक्टर की शादी हो गई या नहीं, उसका किसी के साथ चक्कर वक्कर चल रहा है या नहीं। और अगर आप उसका जवाब न दे सके तो आपको एमक समझा जाता है। मैं तो अभी भी आपको वही समझ रही हूँ। जी ये तो आपकी जरा नवाजी है कि आप मुझे कुछ ना कुछ तो समझ रही है ना। मेरे ख्याल से हमें उसी बारे में बात करनी चाहिए जिस बारे में हम बात कर रहे हैं। भाई तो मैं वही तो कर रहा हूँ कि आपकी शादी हुई या नहीं हुई, यही तो पूछ रहा था। आपने मेरा रिश्ता करवाना है? देखिए जी लगता है आपका मूड बन रहा है, आप गुबा फेरा के बातें ना करें, आप सीधी पॉइंट पे आए। कैसा पॉइंट? जी शादी वाला, ये जिंदगी का सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर शादी नहीं की तो आपने कुछ भी नहीं किया। इंसान गुम फिर कर शादी कर ही लेता है। सोनिया तो मुझे शादी दफ्तर के बारे में मुझसे बात करनी, इन्हें प्लीज वहीं ले जाओ। और आपको शादी करने का बहुत शौक है ना, जाइए पहले अपना शौक पूरा करके आइए। तुम यहाँ? तुम इन्हें जानती हो? अरे हाँ ये वही पागल है। पागल? ये तो कितने से मुझे पागल बना रहे। तो जो ये खुद है वही बनाएगा ना आपको। सोनिया तुम प्लीज इन्हें यहाँ से लेकर जाओ। आइए ना बाहर चल के चाय पीते हैं। नहीं जी मैं इधर ही ठीक हूँ, मैं इन्हें बना लूंगा। देखे मत,
आप प्लीज जाइए, अपनी तशरीफ लेकर यहाँ से प्लीज जाइए। आप तो सीरियस ही हो गए। ये सीरियस ही है, छोड़े इन्हें, आप आइए, हम चाय के साथ समोसे भी खाएंगे, आइए ना। समोसे वो भी तुम्हारे साथ। आइए 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 आइए, शाबाश 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 शाबाश। इंजेक्शन के लगने के बाद आप तो वैसे ही बेफिक्र हो जाएंगे। इतना भी बेफिक्र नहीं होऊंगा। आपने आइसक्रीम का वादा किया है, हम दोनों बाहर जाकर आइसक्रीम खाएंगे। अगर मेरे मामू को कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आप मुझे जानती नहीं हो। अच्छे तरीके से जानती हूँ पेचकस। ए सलमान जानू नाम है मेरा, पेचकस जो बोलते है ना वही होता है। उसके पास जो पैसे है नवाब के पास वो सब नकली है, और वो नवाब क्या मतलब चौकीदार भी नहीं है। और एक और बात बताऊ, सलमान के घर का सारा राशन खा गया है और वो पागल भी है। क्या?